बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वो ग्राउंड टिश्यूज, प्लांट टिश्यू हम पढ़ रहे हैं। इसको एक दफा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने प्लांट टिश्यूज में दो टाइप्स पढ़ी थी, सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू हमने पढ़ा मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू वो है जिनमें हर टाइम पे डिवीजन हो रही होती है। इसकी तीन टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू अभी हम पढ़ रहे हैं। परमानेंट टिश्यू में इससे पहले हमने एपिडर्मल टिश्यूज पढ़ा, और आज जो भी हमने पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, ग्राउंड टिश्यूज। ठीक है, ग्राउंड टिश्यूज को भी हम डिस्कस करते हैं। ग्राउंड टिश्यूज सिंपल टिश्यू हैं और किस चीज के बने हुए हैं, पैरेन्काइमा सेल्स के। ग्राउंड टिश्यूज किससे बने हुए हैं, पैरेन्काइमा सेल्स या मीजोफिल सेल्स के। अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्राउंड टिश्यू किसके बने हुए हैं, तो ग्राउंड टिश्यूज के सेल को क्या कहा जाता है, पैरेन्काइमा सेल या मीजोफिल सेल्स। ठीक है, मीजोफिल सेल्स आपको नाम से पता चल रहा होगा, मीजोफिल सेल कहाँ पे हमने पढ़ा था, लीव्स के अंदर। यानी जो ग्राउंड टिश्यूज हैं, जो लीव्स के अंदर ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल्स। और जो ग्राउंड टिश्यू अदर देन लीव्स हैं, उनको वो किस चीज के बने होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं। अच्छा, अब जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ये मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट। अगर हमने एनिमल टिश्यूज की बात की थी, तो मोस्ट अबंडेंट जो टिश्यूज हैं एनिमल्स के अंदर वो थे कौन से, मसल टिश्यूज। ठीक है, और जो प्लांट्स के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट है वो कौन से हैं, ग्राउंड टिश्यूज और पैरेन्काइमा सेल्स के जो बने हुए हैं। ओवरऑल जो अगर हम बात कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, तो ये स्फेरिकल है। ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, स्फेरिकल। लेकिन जो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है, जहां पे ये दो सेल्स आपस में मिल रहे हैं, वहां से ये क्या होगा, फ्लैट होगा। वहां से क्या होगा, फ्लैट होगा। ठीक है, तो पैरेन्काइमा सेल्स आर मोस्ट अबंडेंट इन, ओवरऑल दे आर स्फेरिकल, बट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट दे बिकम फ्लैट। अच्छा, दे हैव थिन प्राइमरी वॉल। इसकी प्राइमरी वॉल क्या होती है, थिन होती है। ठीक है, और हैव अ लार्ज वैक्यूल। जब हम मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़े, तो हमने कहा था कि वहां पे जो सेल्स होंगे, क्योंकि वो मेच्योर नहीं होते सेल, हर टाइम पे उनमें डिवीजन हो रही है, तो उनके न्यूक्लियस सेंटर में होता है, और वैक्यूल या तो नहीं होगा या छोटे वैक्यूल होंगे। लेकिन जो ये टिश्यूज हैं, ग्राउंड टिश्यूज, इनके अंदर जो सेल्स हैं, इनके अंदर लार्ज वैक्यूल होगा, क्योंकि ये परमानेंट है, इनमें डिवीजन नहीं हो रही, ये मेच्योर सेल्स हैं। जो मेच्योर सेल होता है प्लांट का, उसके अंदर वैक्यूल क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा वैक्यूल होता है, और जो न्यूक्लियस है वो साइड पर चला जाता है। जबकि जो इमेच्योर है, जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज हैं जिस तरह, उनमें जो वैक्यूल है वो या तो नहीं होगा या छोटा होगा, और न्यूक्लियस क्या होगा, प्लांट के सेंटर में होगा। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ये स्टोरेज ऑफ फूड, लार्ज वैक्यूल का काम क्या है। हमने जब फोर्थ चैप्टर, ये इसी चैप्टर में जो पिछले लेक्चर्स के हमने अंदर पढ़ा था, कि वैक्यूल का काम है वो मेटीरियल को स्टोर कर रहा है, या टर्जिडिटी, प्लांट को टर्गर प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, इन लीव्स के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, जो मीजोफिल सेल्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस होता है। मीजोफिल सेल के अंदर क्या होता है, जो लीव के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर इसका देखेंगे, दोबारा से आपको लीव का एपिडर्मस में दिखाता हूं, और उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट। ये आपको लीव का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये मीजोफिल सेल्स हैं। ये मीजोफिल सेल के अंदर ये पैरेंट का, ये आप समझ ले ग्राउंड टिश्यूज की टाइप्स हैं। लीफ के अंदर ये मीजोफिल सेल्स हैं, जो पैलिसेड मीजोफिल सेल्स हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसकी वजह से आप, इसने बुक में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करते हैं। मीजोफिल सेल्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, और अदर जो पार्ट हैं, दूसरे जो पार्ट्स हैं, उनके अंदर ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। दूसरे जो पार्ट्स हैं, उनके अंदर क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसकी डायग्राम हम देख लेते हैं। ठीक है, वो आपने देखनी है डायग्राम, सॉरी यहाँ पे डायग्राम, ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ये स्फीयर होते हैं, इनके अंदर जो है ना लार्ज वैक्यूल होता है, और इसके बाद पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पे ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, और ये जो है ना अबंडेंट होते हैं अदर बॉडी, प्लांट बॉडी में पैरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं, और वैसे जो है ना ये मीजोफिल सेल्स के होते हैं। मीजोफिल सेल्स की दो टाइप्स हैं, पैलीसेड और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। पैलीसेड मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करता है, और जो बाकी पैरेन्काइमा सेल्स हैं उनके अंदर क्या करता है, ये रेस्पायरेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, ग्राउंड टिश्यूज। बाकी इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।